दोस्तों एसएससी में अभी बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई है एसएससी जीडी की। तो आज की इस वीडियो में उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे कि आखिर ये फॉर्म आपको कैसे भरना है, इसका शुरू डेट क्या है और कब तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वही बात करेंगे कि कितना फीस आपको इस फॉर्म के लिए देना पड़ेगा। साथ ही साथ हम उम्र की बात करेंगे कि कितना उम्र होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। वहीं बात करेंगे फिजिकल का कि फिजिकल में कितना हाइट होना चाहिए, कितना रनिंग करना होगा, यानी ए टू जेड पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले इस वैकेंसी का, तो बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है एसएससी जीडी में एक गवर्नमेंट जॉब पाने का, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया जॉब होता है। वहीं बात करें इसके फॉर्म का कि आखिर कब से ये फॉर्म भरा जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन बिगेन यानी 25 मार्च से यहाँ पे ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे 10/5/2021 यानी मई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। मई 10 मई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप पहले ही फॉर्म को फिल कर दें, लास्ट में बहुत दिक्कत होता है। वहीं बात करें यहाँ पे लास्ट डेट का कि आखिर कब तक आप पेमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 10/5/2021 तक आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें कि आखिर ये फॉर्म आप फिल करते हैं तो आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 25 अगस्त के बीच में आपका एग्ज़ाम 2021 में ही हो जाएगा। वही बात करें कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा आपका, तो यहाँ पे इसके बारे में भी नहीं बताया गया है। वहीं बात करें कि आखिर इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे। अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं, कैटेगरी में आते हैं, तो आपको सिर्फ 100 रुपये देने होंगे। वही अगर आप एससी और एसटी में आते हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा इस फॉर्म के लिए, लेकिन आपके पास एसटी एसटी का फॉर्म यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद बात करें ऑल कैटेगरी फीमेल, अगर आप एक फीमेल हैं, लड़की हैं, तो आपका 1 भी रुपये नहीं लगेगा, चाहे आप जनरल से हों, ओबीसी से हों या फिर ईडब्ल्यूएस से, किसी से भी हो, आपका कोई भी पैसे नहीं लगने वाले। आप यहां पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई चालान से भी पेमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें इसमें एज का कि आखिर इसमें कितना एज होना चाहिए। अगर आपका मिनिमम 18 साल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर अगर आपका एज 23 साल है यानी 23 साल तक है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही बात करें कि एज कब से काउंट होगा, जैसे मान लीजिए 18 साल मतलब कब से देखा जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/7/2021 यानी 1 जुलाई 2021 को अगर आप 18 साल के होते हैं या फिर 1 जुलाई 2021 तक आप 23 साल के हैं तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर 1/7/2021 तक आपका 18 साल उम्र नहीं होता या फिर तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। उसके बाद बात करें कि पोस्ट कौन सी है, तो यहाँ पे कांस्टेबल, यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल का पोस्ट है यहाँ पे। उसके बाद बात करें कि यहाँ पे एजुकेशन क्या चाहिए, यानी अगर 12th चाहिए, 10th चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको सिर्फ 10th पास चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो आपको जॉब मिलेगा। सिर्फ 10th पास वाले यहाँ पे भर सकते हैं, यानी अगर आपने 12th किया है तो और अच्छी बात है, ग्रेजुएशन किया है तो उससे भी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम यहाँ पे 10th आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद बात करें फिजिकल एलिजिबिलिटी, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बात करें यहाँ पे मेल का, जिसमें यहाँ पे जनरल और ओबीसी और एससी आते हैं, तो यहाँ पे 170 सेंटीमीटर यहाँ पे चाहिए, 170, जी हाँ। उसके बाद बात करें चेस्ट का तो 80 से 85 चाहिए। उसके बाद बात करें रनिंग का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 5 किलोमीटर आपको सिर्फ 24 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट करना है। उसके बाद बात करें यहाँ पे मेल एसटी का, तो यहाँ पे उसका सिर्फ यहाँ पे 165 हाइट चाहिए। उसके बाद बात करें यहाँ पे चेस्ट का तो सिर्फ 76 से 80 चाहिए। उसके बाद बात करें वही रनिंग का तो 5 किलोमीटर इनको भी 24 मिनट में ही कंप्लीट करना होगा। उसके बाद बात करें फीमेल का, अगर जनरल में आती है तो 157 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट चाहिए। उसके बाद बात करें चेस्ट का, तो चेस्ट लड़कियों का नहीं देखा जाता है। उसके बाद बात करें रनिंग का, तो यहाँ पे 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में आपको यहाँ पे करना होगा। उसके बाद बात करें फीमेल एसटी का, तो उनका 155 सीएमएस है हाइट, उसके बाद चेस्ट उनका नहीं लगता। उसके बाद यहाँ पे 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। तो आपको एसएससी जीडी के बारे में पूरा डिटेल पता चल गया होगा, फिर भी कुछ छूट जाता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में भी आपको
कमेंट में बता दूंगा या फिर एक वीडियो बना के बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, मैं हूँ अभी एसएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पे अभी एमटीएस का ही फॉर्म चल रहा है, यहाँ पे अभी एसएससी जीडी का अप्लाई करने का ऑप्शन ओपन नहीं हुआ है। जैसे ही यहाँ पे ओपन होगा मैं सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पे एसएससी जीडी का फॉर्म भरना है। मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं टाइम, देख सकते हैं 2:41, आज 25 तारीख है, अभी तक यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है अप्लाई ऑनलाइन करने का। वैसे आज ही डेट है, 25 तारीख ही डेट है, लेकिन अभी तक यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एमटीएस ही दिखा रहा है लेटेस्ट वैकेंसी में, लेकिन बहुत जल्द हो सकता है आज रात तक यहाँ पे ऑप्शन आ जाए अप्लाई करने का। जैसे ही ऑप्शन आएगा मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा भी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।